अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। शहदाए करबला के चहलम पर मुल्क भर में मातमी जलूस, असादारों का गम हुसैन का पुरसा, नोहा खानी और गिरियाजारी। जुलूसों के रूट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मोबाइल फोन खामोश, डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। आईजी इस्लामाबाद के तबादले पर हुकूमती जवाब तैयार। जान मोहम्मद के खिलाफ शिकायतों पर वजीर आजम उन्हें तब्दील करना चाहते थे। इमरान खान वजीर दाखिला भी हैं। वजीर आजम का काम अहकाम देना, कार्रवाई अमले का काम है। अटॉर्नी जनरल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। रब्ता हुआ ये थर्सडे को तकरीबन 6 बजे और फिर उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, जिसके नतीजे में 3 मेरे चौकीदार जख्मी हुए, तो क्या वो पाकिस्तान के शेरी नहीं है? 38 बार फोन किया, आईजी इस्लामाबाद ने नहीं उठाया। सेनेटर आजम सवाती का सुप्रीम कोर्ट को हकायक बताने का ऐलान। बोले फार्म हाउस पर हमला हुआ, आईजी के फोन ना सुनने पर वजीर आजम को शिकायत की। सेनेटर के चौकीदारों पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार 5 अफराद का रिमांड मंजूर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आज पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ एपीसी में शिरकत और शहबाज जरदारी मुलाकात के मामला तबादला ख्याल किया जाएगा। सियासी सूरत हाल और कानूनी जंग पर भी मुशावरत होगी। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत आज होगी। वकील सफाई खाजा हारिस सबरा जीआईटी वाजिद ज़िया पर जिराह जारी रखेंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद केस की समाअत कर रहे हैं। वजीर आजम आज मुख्तसर दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान 100 रोजा प्लान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम को कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में पेशरफ्त पर आगाह किया जाएगा। इमरान खान और वजीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। घरेलू झगड़े पर खून की होली, 4 सद्दा में 4 अफराद का लर्जाखेज कातिल। मुलजिम ने फायरिंग करके मां भांजी, भाभी, भतीजी और चाचा आजाद को मार दिया। पुलिस ने लाशों को DHQ मुंतकिल कर दिया। मुलजिम फरार। तेल के अखराज से आलूदा मुबारक विलेज की सफाई का आखिरी मरहला। साहिल पर आया 75% तेल हटा दिया गया। पत्थरों की सफाई जारी। साहिल पर तेल कैसे और कहां से आया, हुक्म जिम्मेदार और का पता लगाने में नाकाम। इंडोनेशिया तैयारे हादसे में हलाक अफराद की बाकियात की तलाश जारी। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjh-news.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।